Hello everyone, welcome to our channel. आज है Thanksgiving और Canadian Thanksgiving usually इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम thanks देते हैं harvest के लिए जो इस साल हुआ है और आज हम दिन की शुरुआत करेंगे thank you देके भगवान को हर दिन की तरह जो हमें इतनी अच्छी life थी खाना पीना दिया और एक दूसरे का साथ दिया और बाकी का दिन हम थोड़ा देसी स्टाइल में सेलिब्रेट करेंगे तो हम आपको दिन दिखाते हैं अपना Alexa, switch on mandir lights. Okay. So जैसे अंकिता ने बताया था कि हम आज थैंक्सगिविंग का डे थोड़ा डिफरेंटली मनाएंगे थोड़ा देसी ट्विस्ट के साथ तो आज हमारे ब्रंच में है छोले भटूरे अंकिता शेफ रणबीर बरार की रेसिपी फॉलो कर रही है यहाँ पे अंकिता बना रही है भटूरे का आटा और उसके बाद हम ये भटूरे का आटा लेके जाएंगे अपनी मासी के घर तुमने जो ये गंद मचाया है यहाँ पे ये जो आटा गिराया हुआ है हर जगह ये कौन साफ करेगा ये करेगा अंकिता साहब अच्छा आटा थोड़ा गीला हो गया था थोड़ा मैदा डालना पड़ा बट आई थिंक अब ठीक हो गया और अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े ताकि हमें वहाँ पेड़े ताकि हमें वहाँ जाके आसानी से जैसे हलवाई लोग अपनी बड़ी बड़ी ट्रे लेके जाते हैं हम भी ट्रे मासी के घर लेके जाएंगे वहाँ पे बस इसको पतला करके फ्राई करेंगे और करेंगे भटूरे हो गए रेडी पेड़े अब हम चलेंगे मासी के घर वहाँ पे हम बनाएंगे इसके भटूरे और खाएंगे छोले भटूरे हेलो जी भटूरे पकड़ा थैंक्स जी सो भटूरे हमने बनाना शुरू तो किए थे पर थोड़ा डिजास्टर हो गया अच्छे 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 बने नहीं है जितने हम पहले अच्छे बना चुके सो स्टिल अब बन तो गए तो खाने पड़ेंगे जैसे ही बने सो चलो एक फूला एक फूला तेरे तक कैमरा ऑन रखना पड़ेगा तभी भटूरे फूलेंगे वैसे मैं कढ़ाई बहुत काली है क्योंकि हम भटूरे बना बना के कढ़ाई काली कर दी हमने जैसे नेक्स्ट टाइम हम जब इंडिया आएंगे ना तो वहाँ से दो कढ़ाइयाँ लेकर ओ फूली ओ हो ओ लगता है गैस ऑन ही रखनी पड़ेगी ओ वीडियो ऑन ही रखना पड़ेगा अंकिता छोले भटूरे कैसे थे अच्छे थे और मैं आइसक्रीम केक खा रही हूं यम्मी और अब इसके बाद सो जाओ है ना पहले खाओ छोले भटूरे और सो जाओ अच्छा मौसम है तो हम थोड़े फॉल कलर्स और पंपकिन बैच वगैरह देखने जाएंगे अभी एंड यू आर मैचिंग ओह यू हैव अ लेडी लेडीबग एम आई लकी एम आई लकी सेड ओह शी फ्लू अवे ओह नो चलो चलते हैं अब हम कहां पे फॉल के कलर्स देखने पंपकिन एंड पंपकिन पैच आल्सो
Bad boy. Coco, say hi. Coco. Oh, guys, sorry. Potty time. Let's not focus on Coco. Canada में अगर आपके पास dog है, तो आपको उसकी poo-poo भी उठानी पड़ती है खुद ही. नहीं तो यहाँ पे fine हो जाता है अगर किसी ने complaint कर दी city को तो. तो अब एक Coco ने potty तो कर दी है. ये देखो. ये भाई साहब फिर से कर रहे हैं. ये देखो कहाँ गए. कहाँ गया ये रहा. चलो गाइस अब मुझे दो बार उठानी पड़ेगी. बदबू बहुत आ रही है. हाय गाइस, वी हैव रीच्ड स्नाइडर्स फार्म. धूप बहुत तेज है और बहुत ज़्यादा भीड़ है. आप में पिछले कुछ गाड़ियाँ तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं. ये मेरे कजन्स. चलो चलते अंदर देखते अंदर है क्या क्या. लगता है कोई एक्टिविटीज होंगी अंदर तो लेट्स सी. बहुत सारे बच्चे दुनिया में देखो. एक और लाने की जरूरत नहीं है. So true. सही बात है ना. बिल्कुल सही है. आई एम फुल कवर बैक इन दिस कितना मजा आ रहा है. मुझे तो बहुत धूप लग रही है. इस पंपकिन का क्या करेंगे. इतने छोटे पंपकिन मशरूम से लग रहे हैं. तो बहुत ज्यादा धूप है. खुशी विल शो अस सम ऑफ हर स्किल्स. ओके हियर शी गोस. दिस इज द ओनली पार्ट. वाओ कूल. अंदर एक चीज दिखाता हूं. Hello, so now we've reached Victoria Park. Pumpkin patch में तो बहुत धूप थी. अब यहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा है और यहाँ पानी भी है. और यहाँ पे क्या ये नेशनल बर्ड ऑफ कनाडा. ओके विच इज गूस. तो ये काटती भी है. कनाडा गूस काटती भी है. बट देखते हैं अगर पास आती है तो. पर नहीं तो ये गूस शायद पानी में जाएंगी अब. VIP. तो हम लोग वापस आ गए घर रात के 10:30 बजे. उस जब हम वापस गए पंपकिन पैच से हमने साथ में डिनर किया. डिनर बनाया और चिकन खाया टर्की की जगह. और
बस बहुत सारी खूब सारी बातें करी, कुछ दोस्त आए उनसे मिले और काफ़ी चाय पे डिनर पे चर्चा करी और अब हम वापस आ गए हैं घर। सुबह ऑफिस जाना है, अब जो तुम्हें ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, तो हम अब सोने जा रहे हैं। अब देख सकते हो कि हम थोड़े थक गए थक गए हमारा, बट इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। So, if you like the video, please don't forget to like, subscribe and share. And aise interesting videos hum dalte rahenge. So, until next time, take care. Bye.